the next season of the cropping season in India is Zaid. We have already discussed about the first crop, then second crop, and the third one is Zaid. The first one is the Rabi crop, the second one is the Kharif crop, and third one is the Zaid crop. बेटा अब हम क्रॉपिंग सीजन्स में हमने दो सीज़न डिस्कस किए हैं, रबी क्रॉप भी डिस्कस कर चुके और उसके बाद जो खरीफ क्रॉप है वो भी हम डिस्कस कर चुके, और अब जो टर्न है वो ज़ैद क्रॉप के डिस्कस करने का है। तो इस ज़ैद क्रॉप के बारे में ये कहा जाता है कि इसका भी एक सोइंग का टाइम पीरियड है और दूसरा हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड भी। तो ज़्यादातर जो एस्टिमेशन लगाया जाता है उसमें ज़ैद क्रॉप का जो सोइंग सीजन है वो रबी क्रॉप के टाइम पीरियड के और खरीफ क्रॉप के टाइम पीरियड के बीच का सीजन है। तो ये कहा जाता है कि जो ज़ैद क्रॉप है वो मार्च और से और जून मंथ के इन बिटवीन जो है वो सोइंग कराई जाती है, मार्च अप्रैल मई जून। इट मीन्स 4 मंथ का टाइम जो पीरियड है वो ज़ैद क्रॉप्स को सोइंग कराने का है, और अप्रोक्सीमेटली जो हम एस्टिमेशन लगाते हैं किसी भी क्रॉप की सोइंग कराने से लेकर और हार्वेस्टिंग कराने तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर हम मैक्सिमम परसेंटेज में 6 मंथ का ड्यूरेशन रखते हैं। आप यहाँ पर एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि जब हम सोइंग का टाइम पीरियड ज़ैद क्रॉप का कवर रहे हैं, मार्च जून का रख रहे हैं, तो इसके बाद अगर आप 6 मंथ जोड़ते हैं मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो पता ये लगता है कि मार्च का जो सोइंग टाइम पीरियड है वो क्रॉप सितंबर में जाकर हार्वेस्ट होती हैं। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारा मंथ यहाँ इंक्रीज होता जाता है ऐसे ऐसे हार्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम के ज़ैद क्रॉप के अंडर में कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड की जा सकती हैं। सबसे पहले हमने रबी क्रॉप कौन कौन सी थी उसके बारे में रीड आउट किया था, उसके बाद खरीफ क्रॉप कौन कौन सी थी उसके बारे में रीड आउट किया था। तो स्पेशली ये बताया गया था कि खरीफ क्रॉप के अंदर पैडी क्रॉप ज़्यादातर यूज की जाती हैं, और यहाँ पर जो ज़ैद क्रॉप हैं उनके लिए कहा गया है कि वाटरमेलन मस्कमेलन कुकम्बर वेजिटेबल्स आर इंक्लूडेड इन द खरीफ। जो आपके वाटरमेलन है मस्कमेलन है कुकम्बर है वेजिटेबल्स है, ये इस टाइप की जितनी भी क्रॉप्स हैं जो आपके मार्च मंथ से स्टार्ट होकर और जून मंथ के एंड तक सोइंग कराई जा सकती हैं, ठीक है, उनका टाइम पीरियड ये है, तो वो जो क्रॉप्स हैं वो खरीफ क्रॉप के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ऐसे ही कुछ इंडिया के स्टेट्स ऐसे सिमिलर स्टेट्स हैं, फैमिलियर भी हैं और सिमिलर स्टेट्स भी हैं, जो स्टेट अपने आप में क्रॉप का प्रोडक्शन जो करते हैं वो चाहे रबी क्रॉप हो चाहे खरीफ क्रॉप हो चाहे आपके ज़ैद क्रॉप हो, उन स्टेट्स में हर क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, और कभी रबी का ज़्यादा हो जाता है कभी क्रॉप का खरीफ का ज़्यादा हो जाता है किसी की स्टेट्स में। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कम से कम 3 स्टेट्स या 4 स्टेट्स तो ऐसे हैं जो हर टाइप की क्रॉप के अंदर चाहे वो रबी क्रॉप्स हों चाहे वो आपके खरीफ क्रॉप्स हों चाहे वो आपकी ज़ैद क्रॉप्स हों उनके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आपके सामने है कि यूपी है पंजाब है हरियाणा है, ये 3 स्टेट्स तो अपने आप में ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो आपके रबी क्रॉप को भी खरीफ को भी और ज़ैद क्रॉप को भी तीनों को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम ज़ैद क्रॉप की बात करते हैं तो यूपी पंजाब हरियाणा इसके अंदर एक स्टेट को और ऐड किया गया जो अब तक नहीं किया गया था, न रबी क्रॉप के अंदर न आपका खरीफ क्रॉप के अंदर, अब किया गया गुजरात। गुजरात इज आल्सो ए मेजर producer state of Zaid crop, it means the watermelon, the muskmelon and the cucumber and the vegetables. The Gujarat is another state to produce the Zaid crop. Then
दीज आर द क्रॉप्स आर सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ। इसका टाइम पीरियड अगर आपके याद न रहे तो मार्च टू जून है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप ये कह सकते हैं कि खरीफ क्रॉप को प्रोड्यूस करने का भी एक टर्म जो है वो मार्च टू जून है, या रबी और खरीफ के बीच में प्रोडक्शन करना भी जैद क्रॉप कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पर टू प्रोड्यूस जैद ये टर्म जो है हमारा जैद क्रॉप का है, और इस टर्म के बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कौन कौन से क्रॉप जो है वो जैद क्रॉप है, उसके बाद कौन कौन से स्टेट्स आपके जैद क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू।